जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर से प्रॉब्लम 8 का एल्गोरिदम भी डिस्कस किया था और इसका फ्लो चार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था। थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, इसको थोड़ा देख लें और काइंडली अब ये एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स इनको आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, ठीक है। कॉपी पे ज़रूर लिखें, समझ के लिखें, समझ के लिखेंगे आप उसको स्टेप बाय स्टेप तो इंशाल्लाह फिर वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम 8 जो था, इट वाज प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक हमने ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने थे, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना है हमने, 1 के बाद हमने 3 प्रिंट करवाना है, फिर 5, 7, 9, 11 एंड अप टू 199। इसका बेसिकली हमने एल्गोरिदम लिखना था जो हमने पहले लिखा है, रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ा। कुछ बातें जो हमने जहन में रखनी है वो क्या हैं कि एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। काम करने का जो वे है, जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं, उनको हम एल्गोरिदम कहते हैं। और इसमें हमें अपना एक थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा आपने डेवलप करना है। एल्गोरिदम लिखने के लिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम जब तक आपको समझ नहीं आएगा अच्छी तरह, तो उसके लिए आप वो स्टेप्स उनकी तरतीब नहीं दे सकते, स्टेप्स को तरतीब से नहीं लिख सकते। तो स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है, 1 से, ये पहली बात जो हम माइंड में रखेंगे। जाना कहाँ तक है, 99 तक। और देखें हर दफ़ा गैप कितना है, 2 का। गैप का मतलब कि करंट वैल्यू अगर 1 है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, ठीक है। 2 के गैप से हमने चलना है। तो इस इन 2-3 बातों को जहन में रख के हमने इस एल्गोरिदम को प्रिपेयर किया था, डिज़ाइन किया था। एल्गोरिदम कोई भी आप लिखें, उसमें पहला स्टेप, स्टेप 1 जो होगा, डेट विल बी स्टार्ट। स्टार्ट के बाद हमने क्या किया, इनिशलाइज वेरिएबल k टू 1। एक वेरिएबल k ले लिया हमने, अब k की जगह आप j भी ले सकते हैं। बिल्कुल ये इसी तरह है जैसे मैथमेटिक्स में आप एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको किस पे इनिशलाइज कर दिया, 1 पे। नाउ क्वेश्चन इज डैट कि 1 पे इनिशलाइज क्यों किया, 2 पे क्यों नहीं किया, 5 पे क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर आपको आपके क्वेश्चन से, प्रॉब्लम से मिलेगा। 1 पे इनिशलाइज इसलिए किया कि हमने 1 से स्टार्ट लेना है, कीप इन माइंड। तो जिस वैल्यू से अगर आपने कोई सीरीज प्रिंट करानी है, उसके स्टेप्स आपने तरतीब देने हैं, उसका एल्गोरिदम लिखना है, तो आपने देखें पहली बात क्या देखी कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, 1 से। तो k में इनिशियल वैल्यू 1 स्टोर कर दी, और इसको मैथमेटिकली भी आप लिख के दिखा देंगे k इक्वल 1। अच्छा अब देखें यहाँ पे साथ ही आप देखिएगा अपने वाइट बोर्ड पे, ये k है हमारा, लेट से k में हमने इनिशियली 1 स्टोर किया है, दिस इज k। आप इस तरह से कह लें कि जी आपकी मेमोरी है, ठीक है, जिसमें इस वक्त के वेरिएबल में 1 पड़ा है, और ये आपकी लेट से आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं समझने के लिए इस बात को, ओके। अच्छा अब देखिए होगा क्या, के में आपने 1 रख दिया, अब इस 1 को इस आउटपुट पे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा स्टेप क्या है, स्टेप 2, आउटपुट के, ये एल्गोरिदम का स्टेप है। तो आउटपुट के का मतलब है कि के में 1 रखने के बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे। अभी तो प्रिंट नहीं होगा, साफ ज़ाहिर है ये एल्गोरिदम है, ये तो पेपर वर्क है। ये कंप्यूटर पे जाके जब हम इसका, इसी एल्गोरिदम का प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे ये प्रिंट होगा। तो अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि के की वैल्यू हमने जो है 1 जो मेमोरी में पड़ी है, आउटपुट के का मतलब है कि इस 1 को हमने प्रिंट करवा दिया, ओके। 1 प्रिंट हो गया, अब 1 की बाद के में 2, 3 चाहिए, तो साफ ज़ाहिर है के में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। उसका स्टेप देखें, स्टेप 3, इंक्रीमेंट के बाय 2, के में 2 को इंक्रीमेंट कर दें, क्योंकि हमने 2 के स्टेप से चलना है, और उसको मैथमेटिकली भी हम लिखेंगे के इक्वल के प्लस 2। तो जब के में 2 ऐड होगा तो देखें ज़रा, ये आपका रफ वर्क जो चल रहा है, तो 1 में 2 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, जी जनाब 3 बन जाएगा, गुड। अब इसके बाद कुछ बातें आपने समझनी हैं जो मैंने बताई थी। स्टेप 4 पे आके आपने अपने इस k को चेक करना है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ k इज़ लेस देन 100। देखिए हमने कहा था कि हमने स्टार्ट 1 से लेना है,
ठीक है, वो तो यहाँ पे हो गया। फिर हमने कहा था टू के गैप से हम चलेंगे, हर दफ़ा ईच एंड एवरी टाइम टू ऐड ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि हमें हर नेक्स्ट टर्म टू के गैप से चाहिए। फिर उसके बाद हमने जाना कहाँ तक है, 99 तक। तो इस बात को जहन में रख के आपने ये स्टेप लिखना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा टेक्निकल स्टेप है, इसको अच्छी तरह समझें आप। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ़ के लेस देन 100, अगर के 100 से लेस है, देन गो टू स्टेप टू। गो टू की वर्ड है, देन का मतलब है तो, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ जाएंगे, स्टेप नंबर टू पे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, जहाँ पे जाके ये कंडीशन फॉल्स होगी वहाँ पे हमारे पास अदरवाइज वाला पोर्शन चलेगा। अदरवाइज हम कहाँ पे आ जाएंगे, स्टेप फाइव पे। अभी तो फिलहाल हम स्टेप फाइव पे नहीं आएंगे क्योंकि अभी के की वैल्यू 100 से लेस है। या आप वर्किंग में देख लें, के की वैल्यू 3 है, डेट इज़ लेस देन 100। तो जब ये लेस देन 100 है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम कहाँ जाएंगे, दोबारा स्टेप नंबर टू पे। स्टेप टू पे दोबारा चले जाएँ वर्किंग में। तो अब स्टेप टू पे जाके फिर इस के की करंट वैल्यू को, जो कि देखें इस वक्त 3 है, उसको हम आउटपुट करेंगे, आउटपुट के। तो इससे क्या होगा, वर्किंग पे देखें, आपका ये 3 आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे प्रिंट करा लें या आप इसको यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करा लें, यहाँ पे प्रिंट करा लें सीक्वेंस में, यहाँ पे 3। ओके, अब देखें आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है, प्रिंटिंग आउटपुट से हो रही है, प्रिंट हो गया, 3 भी प्रिंट हो गया। अब हमने क्या करना है, 3 प्रिंट कराने के बाद फिर हम स्टेप 3 पे आए, ठीक है। नॉर्मली देखें, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, फोर्थ स्टेप से दोबारा स्टेप 2 पे, फिर 3, 4, 2, 3, 4, ये आपका लूप इसको बोलते हैं। ये चलता रहेगा सिलसिला, कब तक, जब तक के की वैल्यू 100 से लेस रहेगी, तब तक ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। तो आउटपुट के बाद फिर के में 2 ऐड हो जाएगा। तो वर्किंग, इसकी वर्किंग आपने देखनी है, इसके रफ वर्क आपको आना चाहिए। के में 2 ऐड होगा तो साफ जाहिर है के में 3 था, तो अब के में क्या आ जाएगा जनाब, 5 आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, के में 5 आ गया। अब एल्गोरिथम क्या कह रहा है जी, कि फिर के को चेक करो, के अगर 100 से लेस है, क्या पड़ा है जी, के में 5 पड़ा है, 500 से लेस है, देन गो टू स्टेप 2, ठीक है, और फिर आउटपुट के। तो के की वैल्यू जो है 5, वो आपकी आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। देन फिर क्या होगा, आउटपुट के बाद देन अगेन 2 के बाद 3 पे आएंगे और के में 2 ऐड करेंगे। तो के में 2 ऐड करेंगे तो के में क्या आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 आने के बाद फिर के को चेक करेंगे, सीक्वेंस देखें ज़रा, फ्लो देखें आप इसका। 7 चेक करेंगे 7 को, 700 से लेस है, देन गो टू स्टेप 2, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिलसिला आपको मैंने बताया था कहाँ तक जाएगा, ये सिलसिला आपका 1 से स्टार्ट जो हुआ, ये जनाब 99 तक जाएगा, 99 तक ये आपका प्रोसीजर चलेगा। और ये वैल्यूज़ 1 से 99 तक आपकी आउटपुट होंगी, यानी प्रिंट होंगी, आउटपुट का मतलब प्रिंट होंगी। उसके बाद देखें वो क्या रहा है, के 1 पर 1 प्रिंट हुआ, 1 में 2 ऐड हुआ, 3 बन गया, मेरे साथ चलिएगा, 300 से लेस है, अगेन स्टेप 2 पे गए, 3 प्रिंट हुआ, 3 प्लस 2 5, 500 से लेस है, अगेन स्टेप 2 पे 5 प्रिंट, 5 प्लस 2 7, 700 से लेस, अगेन स्टेप 2 7 प्रिंट, 7 प्लस 2 9, 900 से लेस, 9 प्रिंट। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा जब तक हमारा के 100 से लेस रहेगा, यानी 99 तक। जो ही के में 99 के बाद, साफ ज़ाहिर है जब 99 में 2 ऐड होगा तो 101 बनेगा, तो 101 पे जब के में 101 आएगा, कीप इन माइंड, तो ये 101 पे आके क्या होगा, आपकी कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि 101 इज़ नॉट लेस देन 100। तो देन वाला पोर्शन फिर नहीं चलेगा, फिर अदरवाइज वाला पोर्शन चलेगा। और अदरवाइज भी हम क्या करेंगे, गो टू स्टेप 5 लिखा हुआ है, स्टेप 5 पे जाके स्टॉप कर देंगे। जी जनाब, ठीक है, ये मैंने रिवाइज करवाया है, इसको काइंडली, इस एल्गोरिदम को, ये थोड़ा सा टेक्निकल एल्गोरिदम है, इसको तैयार करें, ठीक है। अब इन्हीं स्टेप्स को सामने रख के, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए नेक्स्ट एल्गोरिदम भी हमने डिस्कस किया था, इसको ज़रा देखें, इसको भी थोड़ा रिवाइज कर लें। इसमें और इस एल्गोरिदम में देखें कॉमन बात क्या है, इसमें भी एक सीरीज प्रिंट करानी है 1 से 99 तक,
इसमें भी एक सीरीज़ है जो प्रिंट करवानी है, सीरीज़ में डिफरेंस है बस। इसमें इस प्रॉब्लम में सीरीज़ वन से स्टार्ट हो रही है, 99 तक जा रही है और इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इस केस में सीरीज़ आपकी 27 से स्टार्ट होके रिवर्स चल रही है, यानी डिक्रीमेंट होगा। और कितना डिक्रीमेंट होगा, हर दफ़ा 3 का डिक्रीमेंट होगा, और जाएंगे कहाँ तक, -6 तक। तो बस यही डिफरेंस है। अब इन स्टेप्स को अगर आप ये वाला एल्गोरिदम अच्छी तरह तैयार कर लें तो नेक्स्ट एल्गोरिदम भी इसी से मिलता जुलता है। मैं साथ आपको कंपेयर करके भी दिखाता हूँ। इस एल्गोरिदम में स्टेप वन क्या था जी, इनिशलाइज किया था के को 1 पे, क्योंकि सीरीज का स्टार्ट 1 से था। यहाँ पे हम इनिशलाइज कर देंगे के को 27 पे, गुड। के इनिशलाइज वेरिएबल के टू 27, यानी के में 27 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद वही काम जो यहाँ पे किया था आउटपुट के, यहाँ पे भी वही स्टेप है दूसरा आउटपुट के, मीन आउटपुट के का मतलब समझे कि 27 प्रिंट करवा देंगे। अभी नहीं होगा, फिर बता रहा हूँ, अभी तो ये स्टेप्स हैं, ठीक है। हम ये प्लान कर रहे हैं कि ऐसा होगा जब हम कंप्यूटर पे इसको परफॉर्म करेंगे प्रोग्राम, इसका डिज़ाइन करने के बाद चैप्टर 2 में जब हम जाएंगे तो ये हमारा कंप्यूटर इन स्टेप्स को फॉलो करेगा। अभी हम ये बता रहे हैं, अपने आप को ये समझा रहे हैं, इसकी आउटलाइन लिख रहे हैं, तरतीब दे रहे हैं स्टेप्स को, कि जी सबसे पहले के में 27 आना चाहिए, फिर के प्रिंट होना चाहिए, फिर के में -3 होना चाहिए। डेफिनेटली जब के में -3 होगा तो देख लें 27 - 3 24, फिर 24 को चेक करना चाहिए, करना होगा। वी हैव टू चेक हेयर थ्रू द प्रोग्राम कि वो 24 जो हो गया वो क्या वो वैल्यू -6 से बड़ी है। अब 24 साफ जा रहा है -6 से बड़ा है, तो हम दोबारा स्टेप 2 पे जाएंगे। ये स्टेप 2 पे 24 प्रिंट होगा, फिर 24 - 3 21 आ जाएगा, 21 भी -6 से बड़ा है। देन गो टू स्टेप 2, 21 प्रिंट होगा, फिर 21 - 3 18 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, वैल्यूज आती जा रही हैं आपकी सीरीज की, हर नेक्स्ट वैल्यू के बाद हम उसको चेक कर रहे हैं। 18 भी 6 - 6 से बड़ा है, तो फिर गो टू स्टेप 2, 18 प्रिंट होगा, फिर 18 - 3 15 आ जाएगा, 15 इज ग्रेटर देन -6, ओके। देन स्टेप 2, 15 प्रिंट होगा, फिर 15 - 3 12 आ जाएगा, 12 आल्सो ग्रेटर देन -6, ठीक है ना जी। देन गो टू स्टेप 2, 12 प्रिंट हो जाएगा, फिर 12 - 3 9, एंड अप टू सुवान, ये सिलसिला माइनस होते होते -6 तक जाएगा। -6 पे हम जाएंगे स्टेप 2 पे और -6 प्रिंट होगा, बट जब -6 में से -3 करेंगे आप तो डेट विल बिकम -9, एंड -9 जो होता है वो -6 से बड़ा नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, देन वाला पोर्शन अब हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम अदर वाले पोर्शन पे जाएंगे, अदरवाइज वाला पोर्शन हमें कहाँ ले जाएगा, स्टेप नंबर 5 पे, और एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। तो ये देखें, टेक्निकली एल्गोरिदम के स्टेप्स लिखने आने चाहिए आपको इस चैप्टर में, ठीक है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि काम करना कैसे है, तरतीब क्या होगी, सीक्वेंस क्या होगा, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, अगर ऐसा होगा तो क्या करना है, ठीक है। तो ये 27 से स्टार्ट हुआ, 27 को प्रिंट करवाने के बाद उसमें से हमने -3 किया, फिर 24 आ गया, और फिर उसको हमने चेक कर लिया। तो यहाँ से हमने ये दोनों एल्गोरिदम्स का स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तवज्जो से देखिएगा। और इन दोनों एल्गोरिदम्स को, प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रॉब्लम नंबर 9 को, अब आपने जस्ट ये दो प्रॉब्लम्स काइंडली आपने कॉपी पे लिख के उसका पेज पे उसका स्नैपशॉट लेके मुझे सेंड करने हैं, ठीक है जी। साथ आपकी इसकी व्हाइट बोर्ड की वर्किंग भी आपको समझ आनी चाहिए। इन्हीं दो एल्गोरिदम्स के फ्लो चार्ट्स भी हमने डिज़ाइन किए थे, उनको भी दोबारा देख लें, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अभी आपका टास्क है जी, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपका प्रॉब्लम 8 और 9 आपने मुझे लिख के सेंड करने हैं। प्रॉब्लम कहीं पे इसमें आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सामने रखें प्रॉब्लम को, एल्गोरिदम को सामने रखें, एक दफ़ा इसको प्रॉब्लम को देख के, इस एल्गोरिदम को देख के लिखें, दो दफ़ा तैयार करें। मेमोराइज नहीं करना, रटा नहीं लगाना, समझें उस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रॉब्लम 8 और 9 का फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो ये देखें, वही स्टेप्स हैं जिनको अब हमने सिंबॉलिक नोटेशन की मदद से रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट में हमने कहा था कि ये हमारे उन्हीं स्टेप्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जी जनाब। फ्लो चार्ट टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, सेम प्रॉब्लम, 1 से स्टार्ट लेना है। अच्छा, फ्लो चार्ट में हम सिंबॉलिक नोटेशन यूज़ करते हैं,
ठीक है, मैंने आपको आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया था, कुछ नोटेशंस पढ़ाई थी, सिंबॉलिक शेप्स पढ़ाई थी। ये जो ओवल सिंबल है ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज होते हैं, क्या ओवल सिंबल। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट का आप एक स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, आप एंडिंग पॉइंट स्टॉप स्टॉप पॉइंट रखेंगे। तो स्टार्ट और स्टॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस ओवल सिंबल को यूज करेंगे। फिर ये जो रेक्टेंगल बॉक्स होते हैं, थोड़ा रिवाइज कर ले, ये हमारा प्रोसेसिंग सिंबल है। कहीं पे कोई भी प्रोसेस आपने रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि MM1 स्टोर करना प्रोसेस है, टू ऐड करना प्रोसेस है, ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल बॉक्स यूज करेंगे, और इनपुट और आउटपुट के लिए हम इस पैरेललोग्राम को यूज करेंगे, ठीक है नहीं। और इस फ्लो चार्ट में एक नया सिंबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस मैंने करवाया था आपको, डायमंड सिंबल। इस डायमंड सिंबल में हम कंडीशन लिखेंगे, जैसे के लेस देन 100, ठीक है। अब दो ही बातें हैं, या तो के की करंट वैल्यू 100 से लेस होगी या नहीं होगी। तो इसलिए डायमंड के अंदर जो कंडीशन लिखी होती है उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है जी। अब इसीलिए डायमंड सिंबल से दो एरोज हम ड्रा करेंगे, एक येस का और एक नो का। कंडीशन के ट्रू होने पे येस वाला पाथ फॉलो होगा, कंडीशन के फॉल्स होने पे नो वाला पाथ फॉलो होगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन के ट्रू होने पे आपने कहाँ जाना है और फॉल्स होने पे कहाँ जाना है, क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। और ये प्रॉब्लम में गिवन है। अब देखिए मेरे साथ चलिएगा, के में वन से स्टार्ट लेना है हमने, तो के में वन स्टोर कर दिया प्रोसेसिंग सिंबल में, रेक्टेंगल सिंबल। और एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में एक डिफरेंस तो ये है कि एल्गोरिदम में हम स्टेप्स को ह्यूमन लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो चार्ट में हम उन्हीं स्टेप्स को इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स की बजाय सिंबॉलिक नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी इसमें हम इंग्लिश स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे। तो के इक्वल वन, के को वन पे इनिशियलाइज कर दिया। अगेन ये कोई इसमें रटे वाली बात नहीं है, सीरीज का स्टार्ट वन से हो रहा था। अगर सीरीज फाइव से स्टार्ट हो रही होती तो हम के को फाइव पे इनिशियलाइज कर देते, इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हमने उसको के की करंट वैल्यू जो कि वन है उसको प्रिंट करवाना है आउटपुट के, क्या ये स्टेप होगा। आउटपुट के बाद फिर देखें अपने नॉर्मल फ्लो में हम आएंगे। अब के में टू ऐड करना है क्योंकि वन के बाद हमें थ्री चाहिए। वो जो प्रॉब्लम एट आपका जो है एल्गोरिदम का, उसमें स्टेटमेंट देखें जरा, वन के बाद थ्री चाहिए। तो के इक्वल के प्लस टू, थ्री बन गया, के में वन था थ्री हो गया। अब उसके बाद अपने फ्लो पे आएंगे और थ्री को चेक करने के लिए यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है के लेस देन 100। अगर के की वो करंट वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू किस में स्टोर है, के में, तो के जरिए हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं के वेरिएबल के जरिए। तो के अगर लेस देन 100 है तो के में पड़ा है इस वक्त थ्री, वन नहीं है, वन था प्रिंट हुआ, वन में प्लस टू हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। मैंने एल्गोरिदम में भी ये बताया था। तो थ्री को चेक करेंगे, थ्री लेस देन 100 कंडीशन ओके। तो अब येस के केस में हम ये पाथ हमने बनाया, दोबारा हम आउटपुट पे जाएंगे, ओके, यानी वो थ्री हमारा दोबारा प्रिंट होगा। फिर थ्री प्लस टू फाइव, फाइव लेस देन 100 कंडीशन ट्रू, अगेन ये पाथ फॉलो होगा, फाइव प्रिंट, सेवन कंडीशन ट्रू, सेवन प्रिंट, नाइन कंडीशन ट्रू, नाइन प्रिंट, इलेवन कंडीशन ट्रू प्रिंट। ये सिलसिला देखें वही 99 तक जाएगा। एल्गोरिदम में हम इसी फ्लो को गो टू के जरिए कंट्रोल कर रहे थे, याद होगा आपको गो टू स्टेप टू लिखा था। तो यहाँ पे हम उसी को डायमंड बॉक्स के साथ एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब वैल्यू आपकी 101 हो जाएगी, यानी 99 के बाद, साफ जाहिर है 99 के बाद जब 99 में टू ऐड होगा तो ये 101 बनेगा। अब ये 101 लेस देन 100 नहीं होता, नो, कंडीशन फेल हो गई, तो नो वाला पाथ फॉलो होगा। तो नो वाले पाथ पे क्या होगा, हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। वही स्टेप्स है एल्गोरिदम वाले, उनको हमने फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया। अच्छा, यही प्रॉब्लम नाइन जो था इसको देखना है अब हमने, इससे बिल्कुल मिलता जुलता प्रॉब्लम है ना। इसमें वन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 27 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए सीरीज दी हुई है इसमें आपको, 27 के इक्वल 27 स्टार्ट किया, के को 27 पे इनिशियलाइज किया, 27 को प्रिंट करवाया आउटपुट के, देन 27 माइनस 3, 3 माइनस करने
क्योंकि 27 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें 24 चाहिए, तो ये 24 बन गया आपके में। अब के को चेक करने, के आपका 24 है, 24 माइनस 6 से बड़ा होता है, यस, तो 24 प्रिंट हो जाएगा। फिर 24 माइनस 3, देखिए अब सिलसिला शुरू हो गया, 24 माइनस 3 21, 21 भी माइनस 6 से बड़ा है, 21 प्रिंट। फिर 21 माइनस 3 18, 18 भी माइनस 6 से बड़ा है, तो 18 प्रिंट। ये बच्चे आपको ये स्टेप्स, ये फ्लो आपको बता रहा है कि ये काम होंगे इस तरतीब से, यानी पहले के में 27 आएगा, प्रिंट होगा, 3 माइनस होगा, फिर वो वैल्यू चेक होगी, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा प्रोसीड करेंगे हम, फिर वो प्रिंट होगा, माइनस, चेक, प्रिंट। तो ये सिलसिला भी माइनस 6 तक जाएगा, माइनस 6 के बाद ये आपका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट आपका स्टॉप हो जाएगा। तो काइंडली अब प्रॉब्लम 8 और प्रॉब्लम 9, इसका एल्गोरिथम और इसका फ्लो चार्ट आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, और आपने ये कॉपी पे लिख के, पेज पे लिख के या कॉपी पे लिख के, कॉपी पे लिखे बल्कि, उसका स्नैपशॉट आपने मुझे इनबॉक्स करना है लास्ट, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर 2 या 3 एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स उनके डिस्कस करेंगे। अब इंशाल्लाह होप्स को एक दो या तीन लेक्चर्स के बाद हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू।